नमस्कार, देख रहे हैं आप प्राइम टीवी और मैं हूं आपके साथ नंदिनी यादव। वक्त हो चुका है उत्तर प्रदेश की बड़ी खबरों का, आइए नजर डाल लेते हैं। दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नेताजी सुभाष चंद्र बोस की मूर्ति का अनावरण किया। बता दें ये मूर्ति जेट ब्लैक ग्रेनाइट से बनाई गई है और इस मूर्ति को बनाने में कम से कम 280 मैट्रिक टन ग्रेनाइट का इस्तेमाल किया गया है। साथियों, सुभाष चंद्र बोस ऐसे महामानव थे जो पद और संसाधनों की चुनौती से परे थे। उनकी स्वीकार्यता ऐसी थी कि पूरा विश्व उन्हें नेता मानता था। उनमें साहस था, स्वाभिमान था, उनके पास विचार थे, विजन था, उनके नेतृत्व की क्षमता थी, नीतियां थी। नेताजी सुभाष कहा करते थे, भारत वो देश नहीं जो अपने गौरवमयी इतिहास को भुला दे। भारत का गौरवमयी इतिहास हर भारतीय के खून में है, उसकी परंपराओं में है। सुभाष बाबू के 125वें जयंती वर्ष के आयोजन के अवसर पर मुझे कोलकाता में उनके घर जाने का सौभाग्य मिला था। नेताजी से जुड़े स्थान पर उनकी जो अनंत ऊर्जा थी, मैंने उसे महसूस किया। खबर गाजीपुर से है, जहां यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पीजी कॉलेज ग्राउंड में जनसभा को संबोधित करेंगे। वहीं सीएम की जनसभा को लेकर तैयारियां अंतिम चरण में है। बता दें कि जनसभा के बाद सीएम योगी आदित्यनाथ पीजी कॉलेज प्रांगण में स्थापित बाबू राजेश्वर सिंह की मूर्ति का अनावरण करेंगे। मालवी कहे जाने वाले स्वर्गीय राजेश्वर सिंह जी की मूर्ति का अनावरण है और इसी के उसी कार्यक्रम में पूज्य महाराज जी का आगमन गाजीपुर में हो रहा है। उसी की तैयारी को देखते हुए ये हम लोग बैठक कर रहे हैं प्रधानों के साथ। मुख्यमंत्री जी का कार्यक्रम है जो कितने बजे तक आएंगे? महाराज जी का करीब मुझे लगता है 11:30-12 बजे तक मुझे आना है। खबर मऊ से है, जहां मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी ने अपने कार्यक्रम के दौरान जनसभा को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने 203 करोड़ की 47 परियोजनाओं का लोकार्पण एवं शिलान्यास किया, जिसके 32 परियोजनाओं का लोकार्पण और 15 परियोजनाओं का शिलान्यास कार्य शामिल था। वहीं इस दौरान सीएम योगी ने कोरोना महामारी के दौरान भारत के नेतृत्व की सराहना की और आत्मनिर्भर भारत की चर्चा करते हुए गाँव और नगरों को भी आत्मनिर्भर बनाने को कहा। क्षेत्र के विकास को बाधित करने का काम इन माफिया में रुपये ग्रुपों ने किया। ये क्षेत्र मेहनती था, पुरुषार्थी था, देश और दुनिया के अंदर जहां कहीं भी मऊ मौजूद दलिया के लोग गए, जिन्होंने अपने परिश्रम से, अपनी प्रतिभा से, अपने प्रस्थान से वहां पर एक नई दिशा देने का काम किया। खबर संभल से है, जहां सराय तरीन डाकखाने के तिराहे से तेजराम की कोठी तक पदयात्रा निकाली गई, जो पेट इतावार मेन बाजार रिक्शा स्टैंड चौराहा पुलिस चौकी से होती हुई तेजराम की कोठी पर समाप्त हुई। आपको बता दें कि इस पदयात्रा का उद्देश्य देश में बढ़ती महंगाई से त्रस्त जनता और देश में आपसी भाईचारे को बनाए रखना। वहीं इस अवसर पर डॉक्टर ए के त्यागी के साथ कई लोग उपस्थित रहे।
औरैया जिले में तहसील में हो रहे भ्रष्टाचार को लेकर अपनी कई मांगों को लेकर 26 अगस्त से कलम बंद हड़ताल पर बैठे अधिवक्ताओं से सपा के विधायक प्रदीप यादव मिलने पहुंचे। इस दौरान उन्होंने अधिवक्ताओं की समस्या सुनते हुए जिला प्रशासन पर गंभीर आरोप लगाए हैं। इसके साथ ही अधिवक्ताओं के समर्थन में सपा विधायक प्रदीप यादव ने कहा कि अधिवक्ताओं की जो भी 11 सूत्रीय मांगे हैं ये सभी जायज हैं और प्रशासन की तरफ से पूरी नहीं की जा रही है। जिला प्रशासन बिल्कुल गूंगा और बहरा है। अभी हमने वकीलों का ये मांग पत्र पढ़ा और इस मांग पत्र में एक भी मांग ऐसी नहीं है जो उनकी गलत हो या न्याय संगत ना हो। सारी मांगें, जैसे उन्होंने कहा कि विरासत के मामले हैं, तो विरासत के मामले बिना कहे ऊपर से निर्देश हैं, सरकार के निर्देश हैं कि अगर विवाद कोई नहीं है तो विरासत के मामले 15 दिन के अंदर जमा देने चाहिए। और इस खबर में अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ जाहिद जुड़ रहे हैं। जाहिद, अधिवक्ताओं का प्रदर्शन इतने दिनों से चल रहा है, फिर भी उनकी मांगे क्यों नहीं पूरी हो रही हैं? जी, मैं आपको बता दूं नंदनी कि 26 अगस्त से लगातार अधिवक्ताओं का हड़ताल चल रही है। इसमें कई व्यापारी भी शामिल हुए, आंदोलन किए, ज्ञापन भी दिए, अभी तक उनकी कोई सुनवाई नहीं की गई। वही सपा विधायक प्रदीप यादव ने भी वहां पहुंचकर अधिवक्ताओं की समस्याओं को सुना, जिसमें 11 सूत्री समस्या है, भ्रष्टाचार को लेकर समस्या है, शौचालय को लेकर समस्या है, कई ऐसी समस्या है जिनको अभी तक उनकी मांगों को पूरा नहीं किया गया। वही अधिवक्ताओं ने काफी नाराजगी दिखाई गई। सपा विधायक प्रदीप यादव भी अधिवक्ताओं से मिलने पहुंचे थे। हाँ, जैसा कि मैं बता दूं, सपा विधायक प्रदीप यादव भी पहुंचे, जब मीडिया से उन्होंने बातचीत की तो उन्होंने बताया कि प्रशासन और गहरा है बना हुआ है, अधिवक्ताओं की मांगों को एक भी मांग पूरी नहीं कर रहा है। वही सपा विधायक का कहना भी है कि हम आपके समर्थक में है, जहां हमारी जरूरत पड़ेगी हम आपके साथ में रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आपका जाहिद। खबर मैनपुरी से है, जहां पुलिस ने मुठभेड़ के दौरान एक हिस्ट्री शीटर को गिरफ्तार किया, जिसके कब्जे से एक अवैध तमंचा, कारतूस, एक खोखा भी बरामद हुए। बताया जा रहा है कि हिस्ट्री शीटर कई मामलों में 9 महीने से फरार चल रहा था, जिसे गिरफ्तार कर पुलिस ने आरोपी पर कार्यवाही शुरू की है। एक सराहनीय कार्य किया है, एक शेष कुमार नाम के पुरस्कार घोषित, जो 20,000 रुपए से पुरस्कार घोषित अपराधी था और शातिर किस्म था और इसके काफ़ी क्रिमिनल केस इसके विरुद्ध थे, उसकी गिरफ्तारी हुई है। और SHO कुरावली और SSI कुरावली और दो उनके कुशल आरक्षी उनके टीम में और क्षेत्राधिकारी कुरावली के नेतृत्व में जो है इनके द्वारा लगातार इसमें जो है टीम में लगे हुए थे। खबर संभल से है, जहां जनपद के हयात नगर थाना क्षेत्र में एक वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रही है, जो कि हयात नगर राष्ट्रीय इंटर कॉलेज की बताई जा रही है। आपको बता दें कि ये वीडियो 8 साल पुरानी है, जिसमें छात्राओं और उनके अभिभावकों को प्रबंधक समिति द्वारा परेशान किया जा रहा है। चंदौली में चकिया कोतवाली क्षेत्र के मंगरौरा गांव ग्रामीणों ने वृद्ध साधु को बच्चा चोर समझकर पकड़ लिया, जिसके बाद सूचना पर पहुंची पुलिस ने वृद्ध साधु को कब्जे में ले लिया। वहीं ग्रामीणों का आरोप है कि वृद्ध साधु टॉफी का लालच देकर बच्चों को कहीं ले जाने की फिराक में था। फिलहाल पुलिस मामले की जाँच पड़ताल में जुटी हुई है। दिमाग कुछ खराब होगा, घर से भाग के 4-5 दिन का गायब हूँ। हाँ, तो मंगरौर कहाँ था, लोगन धर के पागल पागल करके हमार पीट के पुलिस के बढ़ा के साहब लोगन ले जाके बंद करो ले। पकड़े गए हैं आपके क्या लगते हैं? हमारा ससुर लगते हैं। ससुर जी। औरैया में इंडियन ऑयल चौकी के पास PTO रिहाना बानो की चेकिंग के दौरान एक बस और 6 ट्रकों को सीज कर दिया गया। जानकारी के मुताबिक जिले में लगातार इन ओवरलोड वाहनों के खिलाफ अभियान चलाया जा रहा है। बता दें कि इन वाहनों की वजह से आए दिन हादसे होते रहते हैं, उन्हीं पर रोकथाम के लिए अभियान चलाया जा रहा है।
देखिए सरकार ओवरलोड गाड़ी और डगमार वाहन जो बसेस चलती हैं उसके लिए बहुत ही सख्त है और इसके लिए निरंतर हम लोग कार्रवाई कर रहे हैं और आज भी हमने कार्रवाई करी है जिसमें एक बस को बंद किया है, दो के चालान किए हैं और ओवरलोड ट्रक भी लगभग 6 या 7 पर कार्रवाई हुई है। ये अभियान कब से कब तक चलेगा? ये कुछ असीमित है समय इसका, तो हम लोग को करना डेली कर। फिलहाल के लिए उत्तर प्रदेश की खबरों में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए प्राइम टीवी। आप देख रहे हैं प्राइम।